दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश कुमार एक बार फिर पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बीए द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मानवाधिकारों के उल्लंघन की समस्या के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे तो मानवता का वास्ता देकर नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की बात अनेक सरकारों की ओर से की गई है, लेकिन अधिकांश सरकारें इस क्षेत्र में अपनी दोहरी नीति के कारण असफल रही है। यहां तक कि लोकतंत्रीय अमेरिका तथा ब्रिटेन भी इस क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कारगर सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अपने यहाँ लोकतंत्रीय ढांचे को स्थापित करते हुए ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असीमित शोषण किया। ब्रिटेन के भूतपूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर आवेन ईरान में हो रहे अत्याचार के विषय में मानते थे कि वहां उनके देश के लिए मानवाधिकार मुद्दे से ईरानी तेल अधिक महत्वपूर्ण है। अमेरिका की नव उपनिवेशवादी नीतियां पूर्व में ही अत्यधिक बदनाम हो चुकी हैं, इसके बावजूद अभी तक उसकी मानवाधिकार नीति में एक रूपता नहीं मिलती। सोवियत रूस के विरुद्ध अमेरिका प्रशासन मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को लेकर बोलता रहा है, लेकिन साम्यवादी चीन में इस प्रश्न को लेकर वह राजनीतिक मौन साधे हुआ है। इसके अतिरिक्त साम्यवादी देशों में तो मानवाधिकारों की धारणा ही दूसरी है, जो लोकतंत्र में उसकी रक्षा से सामंजस्य नहीं रखती। वैसे भी कुल मिलाकर साम्यवादी देशों में मानवाधिकार उल्लंघन की वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। अफ्रो एशियाई तथा लातिनी अमेरिका के ज़्यादातर देशों में तानाशाही शासन है, जिस कारण वहां की सरकारों तथा शासकों से इस संबंध में अधिक अपेक्षा रखना निरर्थक है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का कार्य क्षेत्र उसकी आयु बढ़ने के साथ ही सीमित होता जा रहा है। वह अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रायः असफल रहा, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसका गठन किया था। यह एक तथ्य है कि आज संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है, लेकिन मानवाधिकार आयोग कुछ पक्षपातपूर्ण रिपोर्टें प्रकाशित करने के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाया है। आयोग की असफलता संभवतः उतनी कष्टदायक नहीं होती जितना कष्ट देने वाले यह तथ्य हैं कि वह अब तक सच्चाई को कहने का साहस भी नहीं कर पाया। 53 सदस्यीय आयोग का मत है कि इजराइल, दक्षिण अफ्रीका और चीले ने ऐसे देश हैं जो यातना देने, विरोधियों को कुचलने और राजनीतिक शत्रुओं को बंदी बनाने की नीति पर नियंत्रण रखा है। उसने न केवल उन हजारों लोगों को नज़रअंदाज किया है जिन्हें ईरान, चीन और इंडोनेशिया ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण हत्याओं सहित विभिन्न प्रकार की शारीरिक यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ रही है, बल्कि इस तथ्य को भी अनदेखा कर दिया कि विश्व भर में 100 से अधिक ऐसे देश भी हैं जहां की सरकारें किसी न किसी रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इस संदर्भ में एमनेस्टी इंटरनेशनल
की मानवाधिकारों के संबंध में प्रकाशित रिपोर्टें अधिक महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करती हैं। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि दिसंबर 1948 में स्वीकृत मानवाधिकार घोषणा पत्र के उपरांत भी विश्व के अधिकांश देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सभी बड़ी सरकारें और विभिन्न राजनीतिक विचारधारा समूहों से संबद्ध देश मानवाधिकारों का उल्लंघन करते रहे हैं। जुलाई को लंदन में जारी अपनी सन 1995 की वार्षिक रिपोर्ट में विश्व के 150 देशों में मानवाधिकारों की स्थिति को समीक्षा की गई। इसमें उग्रवादी संगठनों के साथ साथ राज्य के सरकारी दमन तंत्र को भी निशाना बनाया गया। इसमें समस्त दक्षिण एशियाई देशों समेत विश्व की कुल 141 देशों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। एमनेस्टी की रिपोर्ट में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रशंसा की गई है। एमनेस्टी की वर्ष 1994-95 की रिपोर्ट में अमेरिका के मानव अधिकारों के उल्लंघन की जो तस्वीर प्रस्तुत की गई वह अत्यंत चिंताजनक है। अमेरिका विश्व के अन्य देशों को मानव अधिकारों की रक्षा के उपदेश देता रहता है, जबकि स्वयं अपने घर में वह ना तो पुलिस को निरंकुशता करने से रोक पाया है और ना ही अपने कानून से मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले प्रावधानों को निकाल पाया है। एमनेस्टी की रिपोर्ट में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। अमेरिकी जेलों में बंदियों की स्थिति को शोचनीय बताते हुए उसे सुधारने के लिए कहा गया है। एमनेस्टी का कथन है कि अमेरिका के अनेक राज्यों में अपराधों की एक बहुत बड़ी संख्या के लिए मृत्युदंड का कानून है, जबकि अन्य देशों में उन अपराधों के लिए इतनी कठोर सजा नहीं दी जाती। नस्लवादी भेदभाव आज भी वहां समाप्त नहीं हुआ है। कुल मिलाकर एमनेस्टी की ताज़ा रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले विश्व के लगभग सभी शासक गिरोह न केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं पर बल्कि प्रत्येक असहमत नागरिक पर अत्याचार करने में एक से बढ़कर एक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विश्व के कुछ ही हिस्सों में मानवाधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताएं वास्तव में सुरक्षित है, अधिकांश क्षेत्रों में अभी इसका कोई मतलब नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयत्नों के बावजूद मानवाधिकारों के उल्लंघन की व्यापक घटनाएं लगातार हो रही है। मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा के 5 दशक व्यतीत हो जाने के उपरांत भी विश्व भर के मुख्य समाचारों में मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघनों की घटनाएं छाई रहती है, लेकिन कुछ सीमा तक मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि करने से समस्यामूलक क्षेत्रों की निगरानी, विशेष रूप से बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, महिलाओं के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार रोकने के प्रयासों को कुल स्थिति में आए सुधारों का श्रेय दिया जा सकता है। वास्तव में मानवाधिकारों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के उपाय पहले से कहीं ज़्यादा सुदृढ़ हैं और उन्हें सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा लोकतंत्र के लिए चल रहे संघर्ष से ज़्यादा जोड़ा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुधार कार्यक्रम के महासचिव कोफी अन्नान ने घोषणा की थी कि मानवाधिकारों का मुद्दा संगठन के विविधतापूर्ण दायित्वों में सदैव प्रमुख रहेगा तथा इन अधिकारों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने की बात सभी नीतियों और कार्यक्रमों में सम्मिलित की जाएगी। मानवाधिकारों तो संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों के आवश्यक अंग बनते जा रहे हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त की जोरदार कार्यवाही और संयुक्त राष्ट्र के भागीदारों के मध्य सहयोग तथा
तालमेल बढ़ाने के लिए किए गए उपाय, मानवाधिकारों के लिए संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की योग्यता और कुशलता बढ़ाने के ठोस प्रयासों की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, आप आज हमने चर्चा की मानवाधिकारों के उल्लंघन की समस्या के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।